सब्सक्राइब कीजिए स्कूप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, खबर आ रही है मुरादाबाद की जेल में दो हिंदू कैदियों ने अपनाया इस्लाम। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वे मुरादाबाद की जेल का है, जहां दो हिंदू कैदियों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है और उसके बाद नमाज पढ़ने बैठ गए। इस पूरी घटना की वजह से हिंदू संगठनों में गहरा रोष है और उन्होंने जेल प्रशासन पर कैदियों को लालच देने और उन्हें डराने धमकाने का आरोप लगाया है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। दो कैदियों ने अपनाया मुस्लिम धर्म। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज और कपिल नाम के दो कैदी मुरादाबाद जेल में बंद थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। इसके बाद दोनों कैदियों ने जेल में ही नमाज अदा की और सभी काम मुस्लिम धर्म की तरह ही करने लगे। मुस्लिम धर्म अपनाने पर शिवसेना भड़क गई है। इस पर शिवसेना ने दिया बड़ा बयान। इस पूरे मामले पर शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने गहरा रोष व्यक्त किया है और तुरंत उनके धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कहा है। रामेश्वर दयाल ने इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी को सौंपी है और साथ में एक प्रति प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी है। उन्होंने जेल प्रशासन पर इसका आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों को प्रलोभन दिया है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया है। शिवसेना ने कहा कि यह शहर गंगा और जमुना की तहजीब वाला शहर है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग बराबर संख्या में हैं और भाईचारे से रहते हैं। ऐसे में किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना किसी अपराध से कम नहीं है। आपको बता दें, केंद्र में भाजपा सरकार है तो कैसे कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकता है। हमारी खबर के अनुसार पंकज और कपिल ने इस्लाम से मुतासीर होकर ही इस्लाम धर्म अपनाया है। कमेंट करके बताएं मुतासीर होकर अपनाया है या दबाव में।